बंद कर दिए फिर अभी स्टार्ट हो गया ना। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एक, और इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि से बना कर देख लेते हैं एक्स का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग की तरफ ध्यान नहीं देना है, इधर हम लोग करते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम जल्दी से बनाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एक्स प्लस एक, एक्स कॉमन लेंगे तो होगा एक्स प्लस फोर, और इधर टू कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस फोर। एक्स का वैल्यू कितना आया, माइनस चार, माइनस चार। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस दो। क्या इतना आना चाहिए, इससे भी कौन मेथड से पूर्ण वर्ग बनाकर हम काम कर रहे हैं और एक्स का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो आइए सबसे पहले हम सिखाए थे कि इसको हम लोग को करते जाना है शुरू वाला को एक्स स्क्वायर, उसके बाद दूसरा चीज करना है टू लिख देना है गुना ई वाला एक्स गुना। अब देखना है क्या कि हमको लाना है सिक्स एक्स, टू है तो छह है लिखना है बटा दो, तो दो से दो खत्म हो जाएगा, फिर तो बच जाएगा सिक्स एक्स बचेगा, या फिर बटा दो कर रही कट रहा है इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं, डायरेक्ट तीन खाली लिख दे कोई दिक्कत होगा, जल्दी बोलो अगर दिक्कत है तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, छह बटा दो ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब ए स्क्वायर टू ए बी, क्लियर, टू ए बी हो गया। अब बी स्क्वायर करना हमको, इसी को करेंगे ना, छह बटा दो का स्क्वायर, बहुत अच्छा सीख रहे आप लोग। छत्तीस बटा चार क्या कर दे, माइनस कर देते हैं, माइनस छत्तीस बटा चार लिखे हैं उसको बैलेंस करने के लिए, तो छत्तीस बटा चार, चार बहुत अच्छा। छत्तीस बटा चार को हम लोग नौ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं इसलिए अभी आराम से रहने देते हैं, दूसरा स्टेप में हम लोग कर लेंगे, है ना। प्लस आठ बराबर जीरो, इतना अच्छा सीखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स अभी नहीं, अभी क्या करेंगे देखेंगे कि इतना दूर से लेकर के इतना दूर तक कोई फॉर्मूला बन रहा है। yes, sir, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए के जगह पर हम ए लिख देते हैं प्लस बी के जगह पर क्या है मेरा छह बटा दो, मतलब काट कर कितना होता है तीन, तीन तीन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नो सर। इतना का स्क्वायर इक्वल छत्तीस बटा चार, इसको काट देंगे नौ बार में, यस सर। तो उधर जाकर के कितना हो जाएगा नौ, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, आई जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया एक्स प्लस थ्री बराबर के स्क्वायर इक्वल वन, क्लियर। तो इधर हो गया एक्स प्लस थ्री बराबर अंडर रूट एक, अंडर रूट एक होगा कि नहीं बताओ, इधर स्क्वायर उधर, यस सर। अब बताओ क्या होगा, x प्लस थ्री इक्वल प्लस माइनस वन, रूट हटता है तो प्लस माइनस होता है। अब हम सिखाए थे जिससे दो को मान निकाल लेना, बाबू एक प्लस रखकर एक माइनस रखकर, तो लिखेंगे x प्लस थ्री इक्वल वन, तो x इक्वल वन माइनस थ्री, x इक्वल माइनस टू, पहला एक आंसर आया। ठीक, अब दूसरा दूसरा चलते हैं, x प्लस थ्री इक्वल इस पर क्या रखे हैं प्लस वन रखे हैं ना, उस पर माइनस वन, तो x बराबर हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री, x बराबर हो जाएगा माइनस चार। दो गो आंसर हम लोग आ गया, दो गो इधर भी था, yes, जो माइनस चार और माइनस टू था, इधर भी माइनस चार माइनस टू था, लेकिन दोनों का मान हम लोग अलग अलग विधि से निकाले थे, निकाले कि नहीं, yes, एक का निकाले हैं पूर्ण वर्ग बना करके, एक का निकाले हैं गुणनखंड विधि से, अगला बार हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकालेंगे। तो इन्हीं सब फॉर्मूला और नए नए विधियों को सीखने के लिए हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।